हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बॉय ब्लास शेख। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी एक्सरसाइज की जिसे आप अपने जिम में, घर पर या किसी भी ओपन स्पेस में इजीली परफॉर्म कर सकते हो, और आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उस एक्सरसाइज का नाम है पुशअप्स। पुशअप एक बहुत ही बेसिक और सिंपल एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज भी है। लेकिन मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है कि बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को बिल्कुल गलत तरीके से या रॉन्ग वे में परफॉर्म करते हैं। सो इसीलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको इस एक्सरसाइज से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आपको इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करना चाहिए ताकि आप इस एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट उठा पाओ। सो सबसे पहले बात करते हैं एम की, कि इस एक्सरसाइज को करने का मकसद क्या होता है या क्यों आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको इस एक्सरसाइज को करने का मकसद पता नहीं होगा, तब तक आप इस एक्सरसाइज को सही वे में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो पुशअप बेसिकली एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें आपके चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर्स, कोर और लेग्स के मसल भी इन्वॉल्व होते हैं। पर पुशअप करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने चेस्ट मसल पर रखना है, ताकि आप अपने चेस्ट मसल को इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाओ और आपको इस एक्सरसाइज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो अगर आप इस एक्सरसाइज को सही वे में परफॉर्म करते हो तो इससे आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका पोस्चर ठीक होता है और आपका कोर एरिया भी टाइट होता है। अब बात करते हैं कि आपको इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि पुशअप करते टाइम आपको कई बार कन्फ्यूजन रहती होंगी कि आपको अपने हाथों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है। सो अगर आप एक नॉर्मल पुशअप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अपने हाथों के बीच में अपने शोल्डर की विड्थ से बस थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रखना है, ना आपको इससे ज़्यादा रखना है और ना ही इससे कम। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको अपने हाथ कहाँ प्लेस करने चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे या चेस्ट के पीछे रखते हैं। क्या यह सही है? नहीं। क्योंकि अगर आप अपने हाथों को चेस्ट के आगे या चेस्ट के पीछे रखते हो तो आप चेस्ट के साथ साथ दूसरे मसल्स को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हो, और इसीलिए आपका चेस्ट मसल सही से ट्रेन नहीं हो पाता। सो इसीलिए आप जब भी पुशअप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के लेवल में ही रखिए, और अपने हाथों को बिल्कुल फ्लैट रखकर अपने हथेलियों से ज़मीन पर पुश करिए। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगेन, काफ़ी सारे लोग इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह या इस तरह परफॉर्म करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पुशअप करते टाइम आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपको अपने चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करते हुए नीचे जाना है एंड स्क्वीज करते हुए ऊपर आना है। वेट फॉर सेकेंड एंड देन गो डाउन। ऊपर आके आपको मुंह से सांस छोड़नी है एंड नीचे जाते टाइम आपको नाक से सांस लेनी है। और एक बात, आपको हमेशा अपने एल्बोस को नॉर्मल पोजीशन पर ही रखना है, लाइक दिस, वरना काफ़ी सारे लोग इसे इस तरह रखते हैं। एंड पूरी एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन में करना है, यानी आपको पूरी तरह नीचे जाना है एंड पूरी तरह ऊपर आना है, स्क्वीज एंड डाउन। एंड पूरी एक्सरसाइज कंट्रोल वे में परफॉर्म करिए ताकि आपको इस एक्सरसाइज का पूरी तरह बेनिफिट मिल सके। तो ये था हमारा कंप्लीट परफेक्ट पुशअप ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो बिल्कुल सही तरीके से एंड राइट वे में परफॉर्म करोगे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस एक्सरसाइज पे चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपका भी गोल है अपने फैशन, ग्रूमिंग एंड फिटनेस के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। क्योंकि ये सब वीडियोज़ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन बन सके। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।